नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल यंगस्टर टाइम्स और मैं हूं सुनील शर्मा। मित्रों, इंसान अपना मानसिक तनाव दूर करने के लिए अब तक सैकड़ों नहीं हजारों तरीके ईजाद कर चुका है। मसलन, कोई व्यक्ति मानसिक तनाव दूर करने के लिए फिल्म देखने चला जाता है तो किसी को किताबें पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है। कोई खेल खेलकर या खिलाड़ियों को खेलता देखकर अपने मानसिक तनाव में कमी पाता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन में अपने मानसिक तनाव की राहत ढूंढता है। लेकिन पश्चिमी देशों में हाल ही में एक ऐसा तरीका लोकप्रिय हो रहा है जिसे सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं और खुश भी, क्योंकि यह तरीका भारतीय संस्कृति से मेल खाता है। ये तरीका है काउ हगिंग, यानी कि गायों को गले लगाने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये तरीका क्या है और किस देश में इसका चलन शुरू हुआ है तो देखते रहिए यंगस्टर टाइम्स की ये विशेष पेशकश, गायों से गलबैया। अपने पालतू डॉगी के साथ खेलते या उसे दुलार करते लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। ऐसे सभी लोगों का मानना है कि ऐसा करके उन्हें खुशी मिलती है। महिलाओं में बिल्ली पालने और हर वक्त उसे अपने साथ रखने के शौक के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। इनके अलावा पुराने ज़माने में लोग पक्षियों को भी पाला करते थे। माना जाता है कि ये सभी मानसिक तनाव दूर करने के तरीके थे, लेकिन अब कुछ पश्चिमी देशों में लोग अपने मेंटल स्ट्रेस से निजात पाने के लिए गायों से गलबैयां करने लगे हैं। नीदरलैंड के ग्रामीण इलाके रूअर से यह ट्रेंड शुरू हुआ है और धीरे धीरे पश्चिम के तमाम मुल्कों में फैलता जा रहा है। नीदरलैंड में इस ट्रेंड को कोर्नफ्लीन कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है गाय को गले लगाना। वहाँ यह तरीका अपनाने वालों का कहना है कि गाय को गले लगाने से उन्हें बड़ी शांति का अनुभव होता है। दरअसल नीदरलैंड में यह चलन एक पार्ट टाइम खेल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह लोकप्रिय होता गया और अब हालत यह है कि इस ट्रेंड ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस देश में इसके लिए बाकायदा सेशंस आयोजित होने लगे हैं। काउ हगिंग को पश्चिमी देशों में एनिमल थेरेपी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये थेरेपी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में लोग सदियों से कुत्ता, बिल्ली और पक्षी आदि पालते रहे हैं, जो एनिमल थेरेपी का ही एक अंग है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिमी देशों में गाय को ही गले लगाने के लिए क्यों चुना गया है। पश्चिमी देशों में गले लगाने के लिए गाय को ही प्राथमिकता देने के सवाल का जवाब तलाशने के लिए साल 2007 में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें पता चला था कि गाय की गर्दन और उसके आसपास के कुछ नरम हिस्सों को सहलाने पर गाय को तो आराम मिलता ही है, साथ में उसको सहलाने वाले को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसे में आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे आपको मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। मजेदार बात यह है कि काउ हगिंग, यानी कि गायों से गलबैयों का यह ट्रेंड अब केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित नहीं है। प्रचार माध्यमों के सहारे अब यह अमेरिका तक भी पहुंच गया है और धीरे धीरे वहां इतना लोकप्रिय हो गया है कि वहां अब काउ फार्म बनने लगे हैं, जहां लोग हज़ारों की संख्या में गायों को लार दुलार करने के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन वहां ये सुविधा निःशुल्क यानी कि मुफ्त में नहीं मिल रही है। इन फार्म हाउसेज में किसी गाय के साथ एक घंटा गुजारने के लिए तकरीबन $300 यानी कि भारतीय मुद्रा में लगभग 22,000 रुपये पे करने होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुद्रा लोग बड़ी हंसी खुशी वहन कर रहे हैं। अमेरिका में कई बड़े काउ फार्म्स हैं जहां हर दिन भारी संख्या में लोग आ रहे हैं जो गाय के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि गायों के साथ रहने से उनको बड़ी शांति और आनंद का एहसास होता है।
अब इस अनुभव का वैज्ञानिक कारण कोई भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि बेजुबान जानवरों से प्यार करने पर आनंद की अनुभूति होना कोई नई बात नहीं है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि जानवरों से प्यार के पीछे छिपे विज्ञान से भारत के लोग सदियों से परिचित थे। भले ही पश्चिमी देशों के लोगों को यह रहस्य अब समझ में आया है। तो आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द ही ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।